बार मन ये भी हुआ कि अच्छा नहीं ये कांग्रेस की रैली है, मुझे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए नहीं, पर फिर आया नहीं ये भारत की रैली है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, तो ये बहुत जरूरी है। नफरत तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं और प्यार की राह थोड़ा मुश्किल होती है भाई, आपने चुन ली है पर बहुत मुश्किल है। और एक कहावत भी है कि प्यार में सब कुछ हार जाए तो ही जीत होती है। तो कुंवर नारायण जी की एक पंक्तियां आज सुबह ही पढ़ रहा था, एक किसी भाई ने ट्वीट की थी कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। सो मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं, आप सभी वॉरियर्स के लिए, राहुल के लिए, और हाँ हार जीत में जीत जरूरी है पर अंत तक हिम्मत न हारने की जीत होगी, क्योंकि अंत में जो लोग इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं जीत तो उन्हीं की होगी, आज नहीं तो कल। सो लड़ेंगे जीतेंगे। थैंक यू। और मन ये भी हुआ कि अच्छा नहीं ये कांग्रेस की रैली है, मुझे जाना चाहिए, जुड़ना चाहिए नहीं, पर फिर आया नहीं ये भारत की रैली है, भारत जोड़ने की बात हो रही है, तो ये बहुत जरूरी है। नफरत तो बहुत सारे लोग फैला रहे हैं और प्यार की राह थोड़ा मुश्किल होती है भाई, आपने चुन ली है पर बहुत मुश्किल है। और एक कहावत भी है कि प्यार में सब कुछ हार जाए तो ही जीत होती है। तो कुंवर नारायण जी की एक पंक्तियां आज सुबह ही पढ़ रहा था, एक किसी भाई ने ट्वीट की थी कि जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, जब तुम अपने मस्तक पर बर्फ का पहला तूफान झेलोगे और कांपोगे नहीं, तब जानोगे कि कुछ फर्क नहीं है सब कुछ जीत जाने में और अंत तक हिम्मत न हारने में। सो मेरी आपके लिए यही शुभकामनाएं, आप सभी वॉरियर्स के लिए, राहुल के लिए, और हाँ हार जीत में जीत जरूरी है पर अंत तक हिम्मत न हारने की जीत होगी, क्योंकि अंत में जो लोग इस देश को संविधान से चलाना चाहते हैं जीत तो उन्हीं की होगी, आज नहीं तो कल। सो लड़ेंगे जीतेंगे। थैंक यू।